हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी गृह मंत्री अमित शाह जी के ओर से एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में एक नई और एक ज़रूरी खबर निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट जो है कुछ बड़ा अपडेट है। अगर आपको जानना है पूरा तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, और हाँ, वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपको नई नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लीजिए। तो चलिए, उनकी ओर से क्या अपडेट आ रहा है जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के नागरिकता विधेयक से स्थानीय कानूनों को नुकसान नहीं होगा, पूर्वोत्तर में जनजातीय पहचान, अमित शाह। इसके बाद ये भी देखिए क्या क्या बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि विवादास्पद नागरिकता विधेयक 2016 के पूर्वोत्तर के कुछ राज्य में स्थानीय कानूनों और जनजातीय पहचान को ओवरलैप नहीं करेगा, जो संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों का आनंद लेते हैं। इसके बाद ये भी देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ अन्य राज्य के में भी इसे लेकर चिंताएं हैं। मुझे यह बताने की अनुमति दिए कि अनुच्छेद 371 नागरिकता संशोधन विधेयक से आहत होगा। शाह ने यह राजनीतिक दल नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के गैर कांग्रेसी समूह के बैठक में अपने भाषण में कहा। इसके बाद ये भी देखिए, अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर का अधिकार है, कोई भी इसे दूर नहीं ले जा सकता है। जब हम नागरिकता विधेयक लाएंगे तो आपके कानून, आदिवासी पहचान और संस्कृति सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद उन्होंने एनआरसी के बारे में क्या कहा, ये भी देखिए। उन्होंने कहा कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद इस क्षेत्र के राज्य ने विभिन्न चिंताओं को व्यक्त किया, जबकि असम वास्तविक भारतीयों को सूची से बाहर करने पर चिंतित था। उसके पड़ोसी अपने क्षेत्र में प्रवासियों के संभावित पलायन से चिंतित थे। इसके बाद ये भी देखिए, मैं दोनों पक्षों को आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी घुसपैठिया भारत में नहीं रह सकता है। सिर्फ असम ही नहीं, हम घुसपैठियों के पूरे देश से छुटकारा चाहते हैं। सभी राज्यों को विश्वास में लाकर हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा, 31 दिसंबर 2014 तक देश में प्रवेश करने वाले शरणार्थी केंद्र की नागरिकता विधेयक को पारित करने की योजना में शामिल होंगे। इससे पहले दिन में संगवान ने कहा कि केंद्र को नागरिकता संशोधन विधेयक पर निर्णय लेने पर पूर्वोत्तर के राज्य को विश्वास में लेना चाहिए। इसके बाद ये भी देखिए, कोई राज्य नागरिकता विधेयक से आशंकित है। हमें डर है कि अगर एनआरसी से बहिष्कृत हो 19 लाख से अधिक लोग मेरे राज्य सहित अन्य राज्य में चले जाएंगे। हमारी चिंता अधिक है क्योंकि हम सीमा पर असम के साथ है, संगवा ने कहा। तो फ्रेंड्स, यही मेन इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है अमित शाह जी के ओर से एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। मिलता है अगली वीडियो को नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।